हेलो फ्रेंड्स, आज हम FLT जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 17, जिसमें कि हमारे MPPSC सिलेबस का यूनिट 9 का जो टेस्ट था उसका डिस्कशन करेंगे। चलो देखते हैं हम एक एक करके एक क्वेश्चन समझते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, ULSI का पूर्ण रूप क्या है? ULSI होता क्या? ULSI एक तरह से इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन किस चीज़ का है? कई ट्रांजिस्टर यानी लगभग 10 लाख से अधिक ट्रांजिस्टर्स को एक चिप पर इंटीग्रेट करना कहलाता है ULSI। इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण का नियम किसने दिया था? लॉ ऑफ इंडक्शन गिवन बाय। ठीक है, देखते हैं प्रेरण का नियम कौन कौन है। पहला ऑप्शन है जैक किल्वी और रॉबर्ट नॉइस। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? AC का इन्वेंशन किया था, IC का आविष्कार किया, इंटीग्रेटेड चिप जिसे बोला जाता है। मोहम्मद एम अताल्ला, इन्होंने किया था MOSFET का इन्वेंशन। ठीक है, फिर है माइकल फेराडे, इन्होंने दिया था प्रेरण का नियम या लॉ ऑफ इंडक्शन। इसमें बताया गया, इन्होंने बताया था कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल यंत्र जो होते हैं, उपकरण जो होते हैं, उन पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है, उसी को कहते हैं प्रेरण का नियम। लास्ट में जॉन वार्डिन, इन्होंने क्या किया? जॉन वार्डिन ने ट्रांजिस्टर, जॉन वार्डिन और विलियम शॉकले और वाल्टर हाउसर, इन्हें मिलकर किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर डायोड के संबंध में सत्य कथन नहीं है। लेजर डायोड जैसा कि यह प्रकाश उत्सर्जक डायोड के समान होते हैं, यानी LED के समान होते हैं। सही है, LED के समान होते हैं। यह लेजर बीम बनाता है, यानी जो काम करता है कैसे, लेजर बीम के थ्रू काम करता है। एक प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ये भी सही, एक प्रकार के सेमीकंडक्टर हैं। इनका आविष्कार क्लेरेंस ने किया था, ये गलत है, क्लेरेंस ने नहीं किया था इनका आविष्कार। इनका आविष्कार किया था निक होलोनियाक, निक होलोनियाक ने इनका आविष्कार किया था। सत्य कथन नहीं है पूछ रहा है, सत्य कथन हमें छाड़ना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, जो जेनर क्लेरेंस से क्लेरेंस का पूरा नाम है जेनर क्लेरेंस, इन्होंने आविष्कार किया था जेनर डायोड। इलेक्ट्रॉनिक नीति है एंड पूछा जा रहा है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी तक भारत में ओनली 2 इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आई हैं। पहली इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आई थी 2012 में, और जो हमारी वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है वो है 2019। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2012। अगर पूछा जाता कि भारत की वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक नीति कौन सी है, तो आंसर होता डी। ठीक है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर का मुख्यालय स्थित है। समीर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की एक संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत की गई है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, मीटिंग, हाँ, समीर ने एक भारत का पहला MST राडार डेवलप किया है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा MST राडार भी है। प्रारंभिक दौर में भारत में इलेक्ट्रॉनिक के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? देखते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम सभी जानते हैं, मिसाइल मैन, इन्होंने मिसाइलों के विकास का जो शुरुआत हुई थी अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ही की गई थी, इसीलिए ने मिसाइल मैन की उपाधि दी जाती है। दूसरी बात, APJ अब्दुल कलाम जो हैं भारत के 11th राष्ट्रपति रहे। 1997 में इन्हें
भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी फेमस बुक हैं इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड, इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत के एक महान ही व्यक्तित्व अब्दुल कलाम जी रहे हैं। मिसाइल मैन, 11th राष्ट्रपति, 1997 भारत रत्न, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं ये जाना हमने कलाम साहब के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक के विकास में इन्होंने इनका योगदान रहा है, मिसाइलों के विकास के योगदान में। सर सीवी रमन, ये भी भारत के विश्वविख्यात भौतिक शास्त्री रहे हैं। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इन्होंने भौतिकी में रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव की खोज की थी। यह प्रभाव संबंधित था लाइट के फैलाव से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हरिगोविंद खुराना, ये भारतीय मूल के विदेशी वैज्ञानिक रहे हैं। मेडिसिन के फील्ड में 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। होमी जहांगीर भाभा एवं विक्रम साराभाई यानी इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में शुरुआती दौर में ये दोनों वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान में इलेक्ट्रॉनिक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। इन्हें भी डॉक्टर रमन को भी 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। टीवी चैनल प्रसारण के लिए कितने रेंज की फ्रिक्वेंसी की तरंगों का उपयोग करते हैं टीवी चैनल, मुझे आ रहा है। तो इसका आंसर है 30 से 300 मेगा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर टीवी चैनलों के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। 3300 हमारा आ रहा हो तो आंसर हो जाएगा, दो फ्रिक्वेंसी रहती है मेजरली, 54 टू 88 मेगा हर्ट्ज और 174 टू 222 मेगा हर्ट्ज। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ITAC 2000 लागू हुआ यानी पूछ रहा है या तो लागू होना या इसी को कहेंगे प्रभावी होना या प्रभाव में आया। तो आंसर है 17 अक्टूबर 2000 को IT एक्ट हमारा भारत में 17 अक्टूबर 2000 से इफेक्टिव है, लागू है, प्रभावी है। 9 जून को ये संसद से पारित हुआ था और एक कमेटी बनाई गई ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में IT एक्ट पर। इन्होंने 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2008 में इसमें IT एक्ट 2000 में संशोधन किया गया और नया IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 बनाया गया। हाल ही में इस एक्ट की धारा सेक्शन 66A इसे माननीय उच्च न्यायालय ने संवैधानिक घोषित किया है। बताया गया है कि हमारे जीवन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यानी हमारे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दोनों का ही उल्लंघन इन्होंने बताया है और इसको असंवैधानिक घोषित किया है। मामला आया था श्रेया सिंघल मामला, 2015 में ये फाइल डाली गई थी। श्रेया सिंघल मामले में IT एक्ट की धारा 66A को संवैधानिक करार दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थीफ के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो IT एक्ट की सेक्शन 66(3) में बताया गया है कि आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए 3 वर्ष की जेल या 1,00,000 रुपये का जुर्माना
या फिर दोनों का प्रावधान हो सकता है। बी आंसर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है साइबर अपील अधिकरण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। हमारे आईटी एक्ट 2000 में प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार एक अपील प्राधिकरण का निर्माण करेगी, जिसके संबंध में बताया गया कि दिया है पॉइंट दे रखा है। इसका प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में किया गया है, सही है। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान है। ऐसा कोई वो नहीं है कि कितने अध्यक्ष होंगे और कितने सदस्य होंगे, ये भारत सरकार अधिसूचना के द्वारा बताएगी या निर्मित करेगी। ये हमारा कथन असत्य है इसके संबंध में। और देखें, अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर रहा हो, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या तो रहा हो या फिर है वर्तमान में। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु निर्धारित है, जो भी पहले हो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो आंसर हो गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं उनमें माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल को आसानी से गमन कर सकती हैं, इसीलिए माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। निम्न में एक सरल संचार प्रक्रिया है, सिंपल कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो हमारे पास सूचना का स्रोत होना चाहिए। सूचना स्रोत यानी कौन से में है? सेकंड। उसके बाद हमारे पास एक यंत्र होना चाहिए, ट्रांसमीटर होना चाहिए, जिससे सूचना को कलेक्ट किया जा सके और प्रसारित किया जा सके। फिर हो जाएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? फिर होना चाहिए हमारे पास चैनल होना चाहिए, यानी फोर। चैनल के बाद में हमारे पास होने चाहिए संग्राहक, उनको कलेक्ट करने के लिए, फाइव। उसके बाद होना चाहिए इसके इनका सूचनाओं का उपयोग, थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, सेकंड फर्स्ट फोर फाइव थ्री। बी आंसर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, नोटबुक पाम टॉप किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? तो देखो, इस कंफ्यूजन क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि कुछ नोटबुक पाम टॉप तो मिनी कंप्यूटर में आते हैं और कुछ माइक्रो में भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आंसर मिनी ही देंगे। शुरुआती नोटबुक पाम टॉप जो आए थे वो मिनी कंप्यूटर ही थे। माइक्रो कंप्यूटर लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह जो कार्यालय में इनका प्रयोग होता है, यानी ऑफिस में जिन कंप्यूटर का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े संस्थानों में बड़ी संगणनाओं के लिए बड़े आंकड़ों पर जो कंप्यूटर काम करते हैं उन्हें बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। बहुत ही तेज स्पीड वाले, तेज गति वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है जैसे बैंकिंग प्रणाली में, रेलवे आरक्षण व्यवस्था में, इस तरह के इनके प्रयोग हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सीडेक की स्थापना की गई। सीडेक की स्थापना की गई थी 1988 में और सीडेक का मुख्यालय है पुणे में। सुपर कंप्यूटर के विकास में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। इसने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 डेवलप किया था 1991 में, विकसित करके भारत को सौंप दिया था 1991 में। अभी परम सीरीज में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI, भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। अभी दो दिन पहले ही हाल ही में परम गंगा नाम के, दो दिन पहले की बात है, सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की में स्थापित किया गया है।
कंप्यूटर के संदर्भ में ए एल यू का तात्पर्य है, ए एल यू अरिथमेटिक दिया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सामने ही था। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, कमांड ले जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है फेचिंग। तो हम वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो डिस्कस करने लायक होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो एक्सेस में सबसे कम समय लेती हो। कम समय लेगी तो यानी मेमोरी का टाइप कैसा हो जाएगा, फास्टेस्ट मेमोरी। तो सबसे तेज फास्टेस्ट मेमोरी है कैश मेमोरी। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में जब दो प्रोसेसर लगाते हैं तो उनको पैरेलल लगाते हैं, इसीलिए प्रोसेसिंग को कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाती है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो होती है मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज। ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें डेटा हस्तांतरण संभव नहीं है, ये भी गलत है। तो सही होगा इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। ISDN का आपसे पूर्ण रूप पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। किस टोपोलॉजी में अच्छे तार होती है, देखो जो टोपोलॉजी होती है उसका प्रयोग हम कंप्यूटरों के नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। मुख्य तरह से पांच तरह की टोपोलॉजियाँ होती हैं। हमें देखना है कोएक्सियल केबल किसमें यूज होती है, जिसमें बस टोपोलॉजी में कोएक्सियल केबल का यूज होता है। किस टोपोलॉजी में एक सेंटर कंप्यूटर सर्वर का कार्य करता है, तो जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर का काम करता है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स संस्थान कहाँ स्थित है, DRDO की एक शाखा है या संस्थान है, DRDO इसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के विकास के लिए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में बेंगलोर, इसकी मुख्यालय है बेंगलुरु में। पैतृक संगठन पूछा जाए इसका तो DRDO। IJ असिमोव ने रोबोटिक्स से संबंधित नियमों पर विचार करें, देखें 1942 में IJ असिमोव ने रोबोटिक्स के लिए तीन नियमों का प्रतिपादन किया था, नियमों का वर्णन किया था। इनका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक शॉर्ट स्टोरी रन अराउंड और आई रोबोट इनमें भी किया था। बाद में उन्होंने तीन नियमों के बाद में इन तीनों नियमों का एक सार निकाला जिसे कहा गया जीरोथ लॉ या रोबोटिक्स का शून्य नियम। ठीक, तो आइए कहते रोबोटिक्स संबंधी नियमों पर विचार करें। रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, सही है। रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, किंतु आज्ञाओं के पालन से प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए, यानी आज्ञाओं का पालन तो किया जाना चाहिए लेकिन ऐसी आज्ञाओं का पालन रोबोट नहीं करे जिससे कि मानवता को या किसी मानव को क्षति पहुँच सकती है। दोनों नियम सही हैं, आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट चीता रोबोट है। देखो समझे, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि सबसे तेज रोबोट कौन सा है, पैर वाला सबसे तेज रोबोट यानी भील वाले तो सिर्फ कोई और दूसरे भी हो सकते हैं, किसी अन्य प्रकार के हो सकते हैं, पैर वाला पूछ रहा है यहाँ पर, तो सही हो जाएगा। माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है, सही है, माइटी ईगल को नासा के द्वारा विकसित किया गया है। हमारे दोनों सही हैं, सत्य कथन 1 और 2 दोनों। साइबर नाइफ क्या है, तो साइबर नाइफ एक तरह की रेडियो सर्जरी प्रणाली है जो कि रोबोट के द्वारा की जाती है।
ई आंसर करेक्ट है। ई के एफ क्या है? ई के एफ एक तरह से एक एल्गोरिदम होती है जिसे रोबोटिक्स और एआई में यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम पता करते हैं क्या किसी वाहन की स्थिति या उसके कौड़ी अवस्था इन सब का, और इसका पूर्ण रूप होता है एक्सटेंडेड कॉलमैन फिल्टर। विश्व का पहला एंड्रॉयड रोबोट है। अगर विश्व के पहले एंड्रॉयड रोबोट की बात की जाए तो बेबॉट रोबोट जो है, बेबॉट फर्स्ट विश्व का प्रथम एंड्रॉयड रोबोट है। ठीक है, पूछा है विश्व का प्रथम एंड्रॉयड रोबोट, बेबॉट फर्स्ट। देखा ऑप्शन इप्सिना, ब्रावो, यूनिमेट, सोफिया। ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से छांटना पड़ेगा, इनमें से कौन सा है? इप्सिना रोबोट हेंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है और ये विश्व का पहला प्रथम अरब भाषी एंड्रॉयड रोबोट है। तो इस तरह से हमारा आंसर इब्सिना चला जाएगा। ब्रावो भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट, किसने विकसित किया था ये? TAL। यूनिमेट विश्व का प्रथम औद्योगिक रोबोट, विश्व का प्रथम औद्योगिक रोबोट पूछा जाए तो यूनिमेट, भारत का स्वदेशी प्रथम औद्योगिक रोबोट पूछा जाए तो ब्रावो। सोफिया विश्व का सबसे उन्नत ह्यूमेनॉइड रोबोट है जिसे सऊदी अरब ने अपनी नागरिकता प्रदान की है। इस तरह से सोफिया विश्व का ऐसा प्रथम रोबोट बन गया है जिसे किसी देश ने अपनी नागरिकता प्रदान की है। स्प्रिट नामक रोबोट संबंधित है चंद्रमा से, मंगल से, शुक्र से, बुध से। स्प्रिट नामक रोबोट को विकसित किया है नासा के द्वारा और इसे भेजा गया है मंगल पर। ये मंगल से, नासा का है, मंगल से संबंधित है। प्रोलोग एक AI प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका विकास किसके नेतृत्व में हुआ है? पहला ऑप्शन जॉन मकार्थी ने AI प्रोग्रामिंग भाषा लिप्स AI प्रोग्रामिंग भाषा लिप्स लिस्ट सॉरी गलत लिखा जा रहा है लिस्ट 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 प्रोग्रामिंग का विकास किया है। यह AI की प्रथम भाषा मानी जाती है AI प्रोग्रामिंग के लिए और जॉन मकार्थी को फादर ऑफ AI भी माना जाता है। और जॉन मकार्थी ने AI शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। एडन फिगम्बम, एम बिट लेवी, एलन कार्लमरर। तो प्रोलोग भाषा का एलन कार्लमरर के नेतृत्व में विकास किया गया है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किस पर आधारित है? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो सिक्योरिटी वगैरह में यूज होता है, ऑफिस वगैरह में यूज होता है, कि कैमरा लगा होता है जो कि फेस को पहले स्कैन करता है उसके बाद में अनुमति देता है आने या जाने की। तो बार बार हम ऐसा करते हैं कि पहचान लेने लगता है, तो आधारित होता है AI की अप्रोच होती है, अप्लाइड AI अप्रोच। AI का लक्ष्य क्या है? तो आजकल हम AI पे इतना काम चल रहा है पूरे दुनिया में, इसको क्यों इतना ज़्यादा माना जा रहा है? क्योंकि देखो AI क्या होती है, जैसे हमारे जितने भी वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट हैं, हम कुछ भी उनसे पूछते हैं बता देते हैं, डायरेक्शन बता देते हैं, तो इनका प्रयोग क्या करते हैं, डेटा का यूज कर रहे होते हैं, उस डेटा को अलग अलग कर लेते हैं और उस डेटा से बार बार सीखते रहते हैं किस लिए लाया जा रहा है, कि क्यों कर किया जा रहा है इतना सब कुछ, ताकि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सॉल्व कर सके। कौन सा एजेंट सुखी और दुखी अवस्था से संबंधित है? AI में
मुख्यतः पांच प्रकार के एजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल रिफ्लेक्स, फिर आता है मॉडल बेस्ड सिंपल रिफ्लेक्स, फिर आता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, फिर गोल बेस्ड एजेंट, और सबसे लास्ट आता है लर्निंग एजेंट। तो यूटिलिटी बेस्ड, इसका आंसर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, क्योंकि उपयोगिता से यह सिद्ध होता है। जैसे हमारा कोई उपयोगिता क्या है, कोई काम हो जा रहा है, कोई एजेंट किसी काम को कर देता है, हमारी यूटिलिटी सिद्ध हो गई है, तो हमें खुशी की अवस्था खुशी मिलेगी। अगर वो काम नहीं हो पाया है तो यूटिलिटी नहीं हो पाई है, खुशी दुख दुख होगा। तो इसीलिए से हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट एजेंट भी कहा जाता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट को। कार्य पर्यावरण में पीच के बारे में है। पर्यावरण क्या होता है, देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो एआई में होता है एजेंट और एक होता है पर्यावरण, यानी जिस जगह पर वो एजेंट काम कर रहा होता है, ठीक है। तो एजेंट जिस पर एक्शन करता है, पर्यावरण पर इसमें रिएक्शन करता है उसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें पीच होता है, तो पीच के बारे में पूछ रहा है, पीच क्या होता है। इसका पी से है परफॉर्मेंस, यानी किसी एनवायरनमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। फिर ई से है पीच, क्या पी ई ए ऐसी है। फिर उसका एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर, ये होता है पीच। कोई भी जैसे टेस्ला कार है, वो भी इसी पे बेस्ड काम करती है, यानी कार भी उसका भी अपना एक पीच रिप्रेजेंटेशन होता है ऑटो पायलट कार का। आंसर दिया है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के लिए प्रदर्शन, पर्यावरण एक्चुएटर्स और सेंसर, बी आंसर सही है। कृत्रिम बुद्धि में ज्ञान को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो दो तरह से ज्ञान को करने से, एक तो निर्धारक तक, प्रपोजल तक, ये आंसर सही। तंत्रिका नेटवर्क के लिए कौन सा सही है, न्यूरल नेटवर्क, इसे ए शॉर्ट फॉर्म में एएन भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, या एक तरह से एक नेटवर्क होता है, जिस तरह से हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है, क्योंकि जन्मजात होता है, हमारा मस्तिष्क इस प्रकार से काम करता है, उसमें जिस तरह से न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं। वो न्यूरॉन्स में जिस तरह से, इस तरह से न्यूरॉन्स रहता है, तो इसमें जहाँ जहाँ पर ये ज्वाइंट होते हैं, इस तरह से नोड पाए जाते हैं, एक तरह से नोड, एक तरह से हमारे बायोलॉजिकल ब्रेन में जो स्नैप्स होते हैं, जहाँ पर दो न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, उसे बोलते हैं हम स्नैप्स, यहाँ पर होते हैं स्नैप्स की जगह नोड। देखने क्वेश्चन क्या कह रहा, इसमें नोड्स और कनेक्शंस का सेट होता है, सही है। प्रत्येक नोड्स अपने भारित इनपुट की गणना करता है, बिल्कुल सही है। इनपुट कितना है इसका पता लगाता है। नोड उत्तेजित अवस्था में, गैर उत्तेजित अवस्था में हो सकता है, ये भी सही है। जिस तरह से हमारे न्यूरॉन एक्साइट अवस्था या अनएक्साइट अवस्था दोनों में हो सकते हैं, उसी तरह से ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी हो सकता है। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव से संबंधित है, प्रोजेक्ट ब्रेन वेव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। साइबर स्पेस शब्द किसने दिया था, 1982 में एक वैज्ञानिक विलियम, सर वैज्ञानिक साइंस फिक्शन लेखक हैं विलियम गिब्सन, इन्होंने अपने उपन्यास नैरो मेंशन में साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, विलियम गिब्सन।
हैकिंग का कानूनी रूप कौन सा है? तो हैकिंग में एथिकल हैकिंग जो होती है वो लीगल हैकिंग मानी जाती है, एथिकल हैकिंग या नैतिक हैकिंग। डी आंसर। हमलावर आमतौर पर लक्ष्य पीड़ित का आईपी प्राप्त करने के लिए को निशाना बनाते हैं, यानी हैकिंग के लिए सबसे पहले में जरूरत होती है आईपी एड्रेस की, और आईपी एड्रेस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वेबसाइट से। सबसे पहले निशाना बनाते हैं वेबसाइट को, हैकर्स जो होते हैं। जब अत्यधिक मात्रा में डेटा प्रवाह होता है जिसे सिस्टम संभाल नहीं सकता, यानी किसी के द्वारा, किसी हैकर या साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा हमारे सिस्टम बहुत ज़्यादा डेटा एकदम पटक दिया जाता है, जिससे सिस्टम काम करना बंद कर देता है या धीमा पड़ जाता है, इसे कहा जाता है क्या? बफर ओवरफ्लो अटैक। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सेशन हाईजैकिंग अटैक है। देखो अभी बात की हमने आईपी हैकिंग, सबसे पहले आईपी एड्रेस को हैक किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। ACL का मतलब होता है ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो होती क्या है एक्सेल कंट्रोल लिस्ट। जैसे हम किसी वेबसाइट को बार बार एक्सेस करते हैं, वहाँ से कुछ डेटा यूज करते हैं, तो इसकी अगर लिस्ट बनाना तैयार कर दें, यानी ऐसे उपयोगकर्ताओं के जो उसके लिए प्राधिकृत हैं, ऑथोराइज हैं, तो ऐसी लिस्ट को ही हम कहेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। यानी एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए उपयोगकर्ताओं की जो सूची तैयार की जाती है इसी को बोला जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। गोपनीय जानकारी से समझौता करना के अंतर्गत आता है, यानी समझौते से यहाँ पे आता है कि हमारी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको सुरक्षित करने के लिए हमें पहले से कोई अवेयर कर देता है, चेतावनी देता है, जैसे कहते हैं थ्रीट। निम्न एक चीज और, थ्रेट अटैक की कैटेगरी में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम का एक प्रकार है जिसे कभी किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो खुद ही फैल जाता है और खुद ही सिस्टम को धीमा कर देता है या बंद कर देता है, उसे बोलते हैं वॉर्म। साइबर क्राइम क्या है? हैकिंग, स्टॉकिंग, सेवा पहुंच की मनाही, सेवा पहुंच, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये सभी सभी हैं साइबर क्राइम, ऑल ऑफ दी अबव। डेटा मिटाने या बदलने का कार्य करता है। वायरस जो होता है वो या तो डेटा को मिटा देता है या उसे परिवर्तित कर देता है। आई लव यू किस प्रकार का मलवेयर प्रोग्राम है? आई लव यू एक तरह का एक वायरस है जो फैला था 2000 में, एक करप्ट फाइल आ रही थी सिस्टम्स पर जिसका नाम था आई लव यू के नाम से, और इसे सबसे अधिक फैलने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भारत में पहली बार ई गवर्नेंस का प्रयोग किया गया था, तो भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत होती है 1917 में, जैसे ही नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर स्थापित हो गया था उसके तुरंत बाद ही ई गवर्नेंस की शुरुआत हो जाती है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान प्रारंभ किया गया था 2006 में। G2 इसे क्या आशय है? जैसा कि पता चल रहा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, सरकार से कर्मचारी, ये है एक तरह से गवर्नेंस का एक मॉडल है या एक प्रकार है गवर्नमेंट के मॉडल प्रकार G2A, यानी गवर्नमेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, गवर्नमेंट टू सिटीजन, और गवर्नमेंट टू बिजनेस या व्यापारी व्यवसाय, चार मॉडल गवर्नेंस के होते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है G2E से क्या आशा है, तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। पहले देखें हम ई गवर्नेंस आयोजन की शुरुआत कब से, ई गवर्नेंस का सम्मेलन कब से किए जाते हैं, 1997 से ई गवर्नेंस सम्मेलन की शुरुआत हुई। हाल ही में 24वां ई गवर्नेंस सम्मेलन 7 से 8 जनवरी को तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसी में
हैदराबाद डिक्लेरेशन यानी हैदराबाद घोषणा को स्वीकार किया गया है। इससे पहला है 23वां ई गवर्नेंस सम्मेलन, 23वां हुआ था मुंबई में, 22वां शिलोंग में। पूछा जा रहा है आयोजित कौन करता है, तो इसको आयोजित किया जाता है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी। प्रगति का पूर्ण रूप है, प्रगति एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना की गई थी 2000 मतलब लॉन्च किया गया था 2015 में। इसको बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा किस लिए, जितनी भी सरकारी स्कीम्स या चलाई जा रही हैं उनके कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए, कितनी प्रभावी है ये सब जानने के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन कितने स्तर तक हो पा रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए प्रगति प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। निम्नलिखित में से डिजिटल इंडिया का स्तंभ नहीं है, तो जब 2015 में डिजिटल इंडिया प्रारंभ किया गया था तो इसे मुख्य 9 स्तंभों यानी 9 उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया था। इनमें सरकार ई मार्केट प्लेस नहीं है, ये किसके लिए है, ये ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स के लिए किया गया है ना कि ई गवर्नेंस के लिए। डिजिटल इंडिया का यह नहीं है सरकारी ई मार्केट प्लेस। बाकी के तीनों इसमें आते हैं। ई नाम का पूर्ण रूप है, ई नाम संबंधित है हमारी जो कृषि मंडियां हैं उनके इलेक्ट्रॉनिकरण से, यानी कृषि मंडियों का इलेक्ट्रॉनिकरण ई नाम कहलाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी कहा जाता है। इसको शुरुआत की गई थी 2016 में। स्मार्ट गवर्नमेंट में एम से क्या आशय है, स्मार्ट में देखो एस से सिंपल, यानी गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए स्मार्ट, इसके लिए होता है सिंपल। दूसरा है एम मोरल, तीसरा है ए काउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, और ट्रांसपेरेंट। जब स्मार्ट गवर्नमेंट में स्मार्ट से आशय यह होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोरल। डिजी लॉकर के संबंध में असत्य कथन है, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है, सही है, मीटी के अंतर्गत ही आता है। यह 2007 में 17 में लॉन्च किया गया था, गलत है, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। डिजी लॉकर का प्रयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के पास आधार नंबर की आवश्यकता होती है, सही, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, आधार नंबर होना चाहिए। इसमें 1 GB का डेटा रखा जा सकता है, यानी हमारी जो फाइल होती हैं उनकी साइज 1 GB तक रखा जा सकता है, यानी डेटा 1 GB तक रखेंगे लेकिन फाइल का साइज 10 MB तक का हो सकता है। 10 MB की 10 MB तक की फाइल आप 1 GB तक स्टोर कर सकते हो। लोक मित्र किस राज्य की परियोजना है, लोक मित्र हिमाचल राज्य की एक ई गवर्नेंस परियोजना है। भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भारत का फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत कब की गई थी भारत ऐप की 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और कहाँ पूछ रहा है, भूटान में से अभी हाल ही में 2021 में लॉन्च किया जा चुका है। हाँ यहाँ एक और चीज़ बता दें, इसका विकास किया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन NPCI के द्वारा। ARPANET है, पहले तो हम ARPANET का फुल फॉर्म लिख लें, ARPANET इसका फुल पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट से नेटवर्क।
यह यूएसए के डिफेंस विभाग की एक रिसर्च एजेंसी है जिसने सबसे पहले एक नेटवर्क डेवलप किया जिसको आर्पानेट नाम दिया गया और यह था विश्व का सबसे पहला वैन वाइड एरिया नेटवर्क। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, तो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ता है कंप्यूटर, उसे बोलते हैं गेटवे। सबसे पहला ईथरनेट है, सबसे पहला ईथरनेट जो था वो था हमारा लैन लोकल एरिया नेटवर्क। इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट होता है किसी ऑफिस में जो अंदर उनका आंतरिक नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, उसे बोला जाता है इंट्रानेट, सूचना के अंदर की प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट। ये आंसर सही है। इंटरनेट का पूरा नाम है, सभी जानते हैं इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, इसे बोला जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क क्या है? इंटरनेट। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी अगर पूछा जाए तो क्या है? इंटरनेट। सबसे बड़ा वैन भी पूछा जाए, सबसे वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, इसे कहते हैं। तो वेबसाइट पर जो पहला पेज आता है उसे हम बोलते हैं होम पेज। सर्च इंजन है, सर्च इंजन जिस पर कोई चीज़, कोई वेबसाइट सर्च की जाए उसे हम बोलेंगे सर्च इंजन। yahoo.com, khoj.com, altavista.com सभी सर्च इंजन है। khoj.com भारत का सर्च इंजन है। यदि एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं उपलब्ध कराता है तो उसे किस रूप में जाना जाएगा? यानी एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं उपलब्ध कराता है, हाँ, तो जो अन्य कंप्यूटरों के लिए क्या करेगा, एक सर्वर की तरह काम करेगा, यानी सेवाएं देगा, तो डेटाबेस सर्वर हमारा हो जाएगा, जहाँ पर डेटाबेस कलेक्ट होता है, डेटा कलेक्ट होता है एक जगह पर, जरूरत पड़ने पर वहाँ से मांगा जाता है। किस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में एक गोले में जुड़े होते हैं? गोले में यानी इस तरह से नेटवर्क बना होगा, जैसे कंप्यूटर है गोले में जुड़े होंगे, इस तरह का जो नेटवर्क है टोपोलॉजी होगी, इसे कहेंगे हम रिंग टोपोलॉजी। नेटिजन से आप क्या समझते हैं? भारत के कुल सदस्य, सदस्यों की संख्या, इंटरनेट मेंबर, नेट वर्ल्ड के नागरिक। तो नेटिजन से बने दो वर्ड्स मिला है, नेटवर्क और सिटीजन, इन दोनों को मिला के बना दिया नेटिजन्स, नेट वर्ल्ड के नागरिक। विकिपीडिया के संस्थापक हैं, विकिपीडिया की स्थापना या विकास जिमी वेल्स के द्वारा 2001 में किया गया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? लगभग 1960 के दशक में रे टॉमलिंसन, यहाँ पर गलत लिख गया है, टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन होना चाहिए, करेक्ट आंसर है हमारा रे टॉमलिंसन। आईएसपी का पूर्ण अर्थ है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता, जैसे कि रिलायंस जियो क्या करती है, इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है, प्रदान करती है, एयरटेल इंटरनेट सेवा देती है, बीएसएनएल इंटरनेट, कोई भी ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट बेचती है, प्रदान करती है, उसे हम कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन इंटरनेट सोशल सर्विस ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहली ऑनलाइन शॉपिंग प्रणाली विकसित हुई थी, पहली ऑनलाइन शॉपिंग प्रणाली 1979 में माइकल एल्ड्रिच नाम के व्यक्ति के द्वारा विकसित की गई थी, माइकल एल्ड्रिच 1979। उपभोक्ताओं से व्यवसाय मॉडल, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल का लक्षण है व्यापारियों के लिए रॉयल्टी मुक्त तस्वीरें, हाँ, यानी जो
कंज्यूमर जो होते हैं वो व्यापारियों को कुछ चीज़ें बेचें, उसे कहेंगे हम उपभोक्ता से व्यवसाय मॉडल। जब व्यापारियों के लिए तस्वीरें भेजते हैं देते हैं, उन्हें व्यापारियों के लिए डिजाइनिंग का काम करते हैं, क्राउड सोर्सिंग भी करते हैं, उपरोक्त सभी। ई गवर्नेंस ई कॉमर्स के कौन से मॉडल में आता है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट और व्यापारियों के बीच लेन देन हो रहा होगा, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस। NPCI का पूर्ण रूप है, पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को तैयार किया, जैसे भी बात की थी हमने, भीम, रुपे, रुपे कार्ड जो आता है, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इन सबको तैयार किया है NPCI ने। सबसे पहले ब्लॉकचेन का विकास किसने किया था? पहले समय ब्लॉकचेन होता क्या? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें डेटा को कई ब्लॉक्स की चेन के रूप में एकत्रित किया जाता है, या श्रृंखला बनाई जाती है चेन के फॉर्म में, कई ब्लॉक्स की डेटा को ब्लॉक के रूप में एकत्रित करते हैं, फिर उनको चेन के रूप में इकट्ठा करके रख देते हैं। बहुत ही दुनिया की सबसे साइबर सुरक्षित टेक्नोलॉजी है अभी तक की, यानी इसमें जो इतने भी हमलावर या साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो इसको हैक नहीं कर पाते हैं, या इसमें कोई भी रूपांतरण नहीं कर सकते हैं अभी तक। इसका विकास किया था डेविड चाउम ने। और जो हमारी बिटकॉइंस हैं, जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही यूज वह बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। पूछा जाए कि बिटकॉइंस में या डिजिटल करेंसी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा हमारा ब्लॉकचेन। बिटकॉइन को कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश है। अभी हाल ही में 2021 में अल सेल्वाडोर दुनिया का ऐसा देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर स्वीकार किया है, तो अल सेल्वाडोर। और अल सेल्वाडोर ने घोषणा और की है कि अल सेल्वाडोर देश के अंदर दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाई जाएगी या बनाई जा रही है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कहां पर निर्मित हो रही है, अल सेल्वाडोर में। भारत की पहली ई कॉमर्स नीति है। अभी तक भारत में पहली और आखिरी 2000 ई कॉमर्स पॉलिसी 2018 है, पहली बार आई है और वर्तमान भी यही है। फोनपे कंपनी का अधिग्रहण किसने किया है? तो फोनपे का अधिग्रहण किया फ्लिपकार्ट ने, और फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है किसने? वॉलमार्ट ने। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों कंपनियां फ्लिपकार्ट और फोनपे वॉलमार्ट की ही अंतर्गत आती हैं। निम्न में से कौन एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है? ओएलएक्स, जिससे पुरानी चीज़ें बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं, ये है, इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में, नीदरलैंडी कंपनी है। फिर ऊबर, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, यह US की कंपनी है। JD.com चाइना की कंपनी है। बची ओला, ये इंडियन कंपनी है। ओला क्या है? ओला कैब, कैब चलती हैं। इसकी स्थापना की थी लगभग 2010 में भावेश अग्रवाल और एक और हैं अंकित भाटी। मैनेजमेंट सूचना प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है डेटाबेस, यह सूचना प्रोसेसिंग कार्यों का एक सेट है। मैनेजमेंट सूचना प्रणाली पूछ रहा है असत्य है, तो इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है डेटाबेस, सही है, यह सूचना प्रोसेसिंग कार्यों का एक सेट है, सही है, ये भी दोनों सत्य हैं, पूछा असत्य, इनमें से कोई नहीं।
किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर निर्भर करने वाली प्रमुख सूचना प्रणाली है। किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर निर्भर करने वाली प्रमुख सूचना ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रणाली सही है, प्रबंधन सही, सूचना तंत्र और डिसीजन सपोर्ट प्रणाली, ये आंसर इसका सही है। कंप्यूटर ने मानव बौद्धिक क्षमता को प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है जिसे कहते हैं, यही क्या है? आईसीटी की दुनिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, ये सारी चीजें हैं। सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक शब्द जिसे जो किसी संचार माध्यम की सूचना प्रदान करने की क्षमता दर्शाता है कहलाता है। क्षमता की बात आई, बैंडविड्थ में आएगी, क्षमता बैंडविड्थ में मापी जाएगी। निम्न में से कौन एक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करता है, इसीलिए कभी कभी मनोवैज्ञानिक आतंकवाद कहा जाता है। जब हम किसी को बार बार फॉलो करते हैं साइबर में, नेटवर्क, इंटरनेट पर, तो उसे कहा जाता है साइबर पीछा। निम्न में से कौन से शब्द एक ही घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन दो शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है? ईमेल बाढ़ भी इनके लिए प्रयोग होता है और ईमेल बमबारी भी इनके लिए होता है, डी आंसर। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसे एक जटिल वातावरण के रूप में परिभाषित करता है? इंटरनेट हैकिंग, जटिल वातावरण, स्पूफिंग, साइबर अटैकर्स, साइबर स्पेस के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर युक्त रेडियो किस दशक में प्रारंभ हुए थे? तो रेडियोज में या ट्रांजिस्टर रेडियो आने लगे थे 1960 के दशक में, ठीक है। ट्रांजिस्टर रेडियो आए 1960 के दशक में, 69, 72, 70, 60 का तो सत्य में एक भी नहीं है, ऑप्शन गलत दे दिए जितने भी दिए, ठीक। आंसर लगाएंगे हम 60। पहला ट्रांजिस्टर रेडियो डेवलप किया था सोनी कंपनी के द्वारा। फ्रेंड्स प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? फ्रेंड्स प्रोजेक्ट है केरल राज्य का, एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है जो केरल राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। खजाने प्रोजेक्ट, खजाने ट्रेजरी विभाग का कर्नाटक का एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। निम्न में पैन का एक उदाहरण है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में छोटा नेटवर्क होता है वह ब्लूटूथ हॉटस्पॉट जो है वो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क है, और इंटरनेट पता है हमें दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क जो है पैन। ईमेल पर आई हुई ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रोटोकॉल दे रखे हैं कुछ, तो ईमेल्स के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं POP। तीन से यहाँ पे आता है क्या, थर्ड वर्जन, तीसरा वर्जन POP का तीसरा वर्जन। निम्न में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी को संदर्भित करता है? डिजिटल हस्ताक्षर, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, प्रोटोकॉल, मैसेज डाइजेस्ट। संदेश की अखंडता, मैसेज डाइजेस्ट, ठीक। पहला वेब ब्राउजर किसके द्वारा बनाया गया था? सभी जानते थे, पहला वेब ब्राउजर डेवलप किया था टिम बर्नर्स ली ने। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना, हम कंप्यूटर में सूचना उसे मानेंगे जिसका कोई सूचना होती हुआ है जिसका कोई अपना अर्थ हो। सूचना बनेगी किससे? डेटा से, आंकड़ों से, संख्याओं से। तब तक हम उसे सूचना नहीं बोलेंगे जब तक उसका कोई अपना अर्थ नहीं निकल रहा हो। तो इन डेटा से, संख्याओं से, कितने डेटा को, इन सभी से सूचनाओं का निर्माण हो सकता है, इसीलिए हम इस पर सभी को आंसर दे देंगे। अभी सूचना नहीं कहेंगे लेकिन इनसे सूचना निर्मित की जा सकती हैं, हो सकती हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना, यानी भारत में इलेक्ट्रॉनिक के विकास के लिए भारत सरकार ने एक कंपनी स्थापित की है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। किस कंप्यूटर गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है? फ्लॉप्स में, पेटा फ्लॉप्स में मापते, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को पेटा फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन
पर सेकेंड। अगर आपसे फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, और गति मापी जाती है पेटा फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की। किस राज्य में 2020 को एआई वर्ष घोषित किया था? तेलंगाना राज्य ने 2020 को एआई वर्ष घोषित किया था। प्रगति ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? ध्यान देने का, ये क्वेश्चन हमने देखा था, वो था प्रगति प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, प्रगति ऐप की। तो अभी हाल ही में 2021 में प्रगति ऐप LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके लिए किया गया है, LIC ने अपने अधिकारियों के कामों को जांचने के लिए या उनके कितनी उन्होंने विकास किया है अपने कामों में, उसके लिए प्रगति ऐप को डेवलप किया है और लॉन्च किया है LIC के द्वारा 2021।